ये कर रहे हैं, वो भक्तिमती ठाकुर का भजन कुटीर है, यहाँ पर श्री जगदानंद प्रभु का भजन कुटीर, पर श्री रघुनाथ दास स्वामी का भजन कुटीर, यहाँ पर श्री स्वर्ग दामोदर प्रभु का भजन कुटीर इधर है, हैं, और उधर श्री ब्रह्मानंद भारती उनका भजन कुटीर, उस तरफ में ब्रह्मानंद भारती का भजन कुटीर, इसलिए समझो इसी लाइन में जितने महापुरुष, और लास्ट में श्री शंकराचार्य का मंदिर है, और इधर हमारे गुरु जी अभी आएंगे, वहाँ पर हमारे गुरुदेव वहाँ पर उन्होंने मठ किया है, इसलिए इसी रोड में ज़्यादा आकर के सब संत लोगों का भजन स्थल इसी रोड में, और यहीं पर जगदानंद पंडित यहीं पर रहते थे। कहते हैं कृष्ण लीला में सत्यभामा, सत्यभामा कौन है? कहते राधा रानी की अंश से ये सत्यभामा की अवतार है, इसलिए राधा रानी कैसे आप जानती हो, इसलिए बात बात में मान कर लेती हूँ, कृष्ण के साथ में बिना कारण करते मान कर लेती राधा रानी, इसलिए इनके अंदर में भी राधा जी की भावना है, सत्यभामा की अवतार है, इसलिए बोले एक समय क्या हुआ, एक समय इन्होंने बड़े मान किया है, इन्होंने मान किया, बोले क्यों मान किया, बोले महाप्रभु संन्यास लिए, इसलिए संन्यास लेने पर सन्यासियों को बहुत कोई कोई बढ़िया चीज़ व्यवहार नहीं करनी चाहिए, कोई बढ़िया तेल व्यवहार नहीं करनी चाहिए जैसे चार तरफ में खुशबू जाए, हैं, चार तरफ में खुशबू जाए, इसलिए सन्यासियों को एकदम सीधा साधा रूप में रहनी चाहिए, महाप्रभु एक आदर्श सन्यासी है, इसलिए बोले साधु पावा बड़ा कष्ट जीवर जानिया, साधु कृष्ण रूप में कृष्ण आयला लिया, कलयुग में साधु मिलना बड़ा कठिन है, इसलिए स्वयं ठाकुर ही स्वयं महाप्रभु भगवान को संन्यास लेने का कोई जरूरत है, लेकिन भगवान स्वयं संन्यास ग्रहण किया, बोले क्यों किया, किया भविष्य में जो सन्यासी बनेंगे उनका आदर्श कैसे होनी चाहिए, इसलिए ये चीज को दिखाने के लिए महाप्रभु सन्यास ग्रहण किया, हैं, सन्यास ग्रहण करके हम जाएंगे महाप्रभु जहाँ पर महाप्रभु जहाँ रहा करते थे, नहीं यही तो बात है, गुरु में बैठ को तो भूलोगे, इसलिए उन्होंने एक समय जब बंगाल में गए थे तब उन्होंने बंगाल से एक मिट्टी का पात्र में जो सुगंधित तेल उन्होंने लेकर के आए, हाँ, क्योंकि महाप्रभु कृष्ण विरह में राधा जी भाव में कृष्ण विरह में कभी पछड़ का गिर जाते, कभी बेहोश हो जाते थे, कभी समुद्र में छलांग लगा कर दिया करते थे, इसलिए उन्होंने ठंडा तेल लेकर के आए, महाप्रभु का शरीर ठंडा रहेगा, अगर ब्राह्मी तेल लगाएंगे ये सुंदर सुगंधित तेल लगाएंगे तो महाप्रभु का शरीर ठंडा रहेगा, दिमाग ठंडा रहेगा, वो तेल लेकर के आए, कहाँ से लेकर के, बंगाल से, कितने किलोमीटर पहले ट्रेन बस था ही, हम तो प्लेन में सीधा आए और सीधा उतर गए 2 घंटा में, पहले जब आप इतना महीना महीना तक लगता था, हाँ देखो नियम है, जैसे हम कहीं तुम्हारे रिश्तेदार में जाते हो जी। क्या लेकर जाते हो, कुछ ना कुछ लेकर जाते हो, उनके लिए फल कपड़ा लत्ता कुछ ना कुछ लेकर जाते हो, बोले क्यों, क्योंकि आप उनको प्रेम करते हो, जो जिसको प्रेम करता है उसके लिए तो जान देने के लिए तैयारी हो जाते हैं, कपड़ा लत्ता फल फूल, इसीलिए जब महाप्रभु का भक्त जब यहाँ आते थे खाली हाथ से कोई नहीं आते, बंगाल से चल चल करके इन्होंने अपना महीना लगता था, वो तेल का जो मटकी है ना सर पर रख करके, इन्होंने सर पर रख करके ये मटके को पूरा सर पर रख करके बंगाल से लाए, कोई कोई व्यक्ति तो जो करेला होता है ना, बंगाल लोग करेला खाते हैं, उसको काट काट कर सुखा देते थे, वो सुखा जो करेला को सर पर रख करके इतने दूर तक तो लाते थे बंगाल से, कोई तो भक्त महाप्रभु शौच क्रिया के बाद में जो हाथ पहले तो साबुन नहीं था मिट्टी से हाथ साफ करते थे, वो गंगा मिट्टी को रेती को उन्होंने कपड़े से उन्होंने छा ये करके क्या बोलते हैं उसको बड़े सुंदर उसको मुलायम जो ना कपड़े में रख करके छान करके एकदम कोमल कोमल मिट्टी लाते थे महाप्रभु शौच क्रिया के बाद में, मतलब ये प्रेम का लक्षण है, इसलिए यह शिक्षा देते हैं दुनिया के लिए प्रेम कर दुनिया को कुछ भी देने वाले नहीं है, बल्कि बंधन है, बल्कि बंधन है, जितने दुनिया में फंसोगे उतना तुमको दुख ही दुख मिलेगा, संसार तुम्हें कभी सुख देने वाले नहीं, जिसको जितना प्रेम करोगे ना उतना देखना उतना ही दुख दुख, बोलो ब्रजवासी की राधे राधे महाराज, नंदगांव की, इसलिए इसलिए दुख ही दुख मिलेगा संसार से, इसलिए प्रेम करना तो किसे करनी चाहिए, बस कन्हैया से प्रेम करो, राधा रानी से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, इसलिए वो वहाँ से ना लेकर के आए ये तेल लेकर के लाए, आ करके उन्होंने उनका जो सेवक गोविंद था बोले ये तेल लो, और लेकर के तेल को
किसको देना? बोले महाप्रभु को देना। महाप्रभु रोज रोज अपना शरीर पर तेल लगाए। लेकिन एक जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका भावना क्या है? उनका भावना है वो कोई चीज को खुद भोग करना नहीं चाहते, वो हर चीज को ठाकुर को सेवा में लगाना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज भगवान की सेवा में लग जाए, समझना, तुम्हारी वो सार्थकता हो गया। कोई भी चीज तुम्हारे ठाकुर को सेवा में लग जाए, समझो तुम्हारी सार्थकता हो गया। क्यों? सगाई दुर्जन को मेवा त्यागे साग बिंदु खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम डूबके और उनको सेवा करो याद करते, लेकिन दुनिया के लिए करो कोई याद नहीं करेगा। बेटा बेटी को जितनी बार पाल लो, थोड़ी सी अगर कोई गलती कर दिया ना इतने से झट बेटा बेटी बोलेगा तुमने क्या किया, मेरे झट उसका मुंह से याद किया मेरे लिए तुमने क्या किया। भगवान कभी ऐसे नहीं करते, तुम इतना करते उतना करते। इसलिए नियम होता है भगवान के लिए कुछ ना कुछ कहीं जाओ कभी खाली हाथ से मत जाया करो। ये प्रेम का लक्षण है, तुम जहाँ प्रेम करोगे वो जरूर कुछ ना कुछ उसको रिझाने के लिए करोगे। हैं इसलिए भक्त लोग लेकर के आए गोविंद को दिया, बोले महाप्रभु सर पर लगाते। लेकिन भक्त लोग महापुरुष क्या देते हैं, कोई भी चीज आए जब वो ठाकुर को सेवा में लगेगा तभी वो चीज़ का सार्थकता, नहीं तो वो चीज़ का कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने कह दिया इतना सुंदर तेल कहाँ से लाए, बंगाल से सर पर लेकर के आए, और इतना सुगंधित तेल अगर मैं लगाऊंगा ना लोग बोलेंगे देखो कैसे सन्यासी है, कितने सुंदर सुगंधित तेल लगा, हाँ चारों तरफ खुशबू आ रहे हैं तेल की, हाँ लोग बोलेंगे भैया किस चीज़ की सन्यासी है, उन्हें सन्यास लेके इतने बढ़िया बढ़िया तेल लगाते, लोग निंदा करेंगे। इसलिए लोग शिक्षा के लिए, और दूसरी शिक्षा हर चीज ठाकुर को जगन्नाथ जी की सेवा में लगेगा तो सार्थकता है। महाप्रभु बोला एक काम करो, आज का जो दिया जलाते हैं ना ठाकुर जी को जो आरती करते हैं दिया जलता है, आप तेल को लेकर के जगन्नाथ जी को सेवा में लगा दें। जब उन्होंने ये बात सुन लिया ना तो राधा जी के सत्य वहाँ बड़े जल्दी मान करती है, उन्होंने महाप्रभु को सामने तेल की जो पात्र था ना पात्र लेकर के बोले मैं इतना दूर से तेल को सर पर रख करके आया, मेरे को पता एक महीना तक है, एक महीना तक जो व्यक्ति सर पर तेल लेकर के आया और जिसके लिए लाया हो अगर वो चीज को रिजेक्ट कर दे, बोले इसको भगवान की सेवा में लगाओ, उनको इतना क्रोध आया। देखो उन्होंने जन्म लिया, बोले जगन्नाथ जी की सेवा में लगा कि आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, महाप्रभु को सामने हो तेल की पात्र लेकर के ना फोड़ दिया, एक महीना की परिश्रम फोड़ दिया, सब चकनाचूर हो गई होगा। उन्होंने प्यार को पटकते हुए प्यार पटकते हुए गए और यही लेट गए, बोले खाना उन्होंने छोड़ दिया, हम खाना नहीं खाएंगे। अगर पत्नी अगर मान कर ले, पति क्या करता है जब तक उसको मना नहीं ले ना, फिर पति को चैन नहीं पड़ता, चैन नहीं पड़ता, मान कर लिया खाना पीना छोड़ दिए। इसलिए दो दिन तक दरवाजा बंद करके पड़े रहे, खाना नहीं खाए। अरे महाप्रभु और कृष्ण है ना, हैं देखा देखो मेरे लिए इतना तेल लाया, मैंने ग्रहण नहीं किया तो उन्होंने मटकी फटकी सारे फोड़ फाड़ दिया है। फिर उन्होंने महाप्रभु दो दिन बाद में आए और इसी रास्ता में जाते थे, बोले जगदानंद जगदानंद मैं जा रहा हूँ समुद्र में नहाने के लिए, नहाने करके ना तुम्हारे घर में आज खाना खाएंगे, भोजन तुम्हारे घर में है, अगर कोई बोले भोजन तुम्हारे घर में करेंगे, महाप्रभु आज हमारे घर में खाना खाएंगे भगवान, और समुद्र में नहाने के लिए जा गए। दो दिन से तो मान करके लेट गए थे, जब बोले महाप्रभु मेरे घर में खाना खाएंगे आज और कोई भोजन है नहीं। फिर प्यार ऐसे की चीज़ है ना, प्यार ऐसे की चीज़, भगवान को जो प्रेम करते हैं उनको सामने अपना जो स्वार्थ को वो बलिदान दे देते हैं, बलिदान देते हैं। भगवान आज मेरे घर में खाएंगे, अगर खाना नहीं खाएंगे तो भूखे रहेंगे, भगवान को हम भूखे कैसे रख सकते हैं। इसलिए उन्होंने सुन करके जल्दी जल्दी उठे, दो दिन तक लेते लेते मान करके है, हम लोग कितने दिन तक मान करते हो, कभी नहीं करते। इसलिए उसके बाद उन्होंने जल्दी जल्दी उठे, उठ करके नहा धो करके महाप्रभु के लिए बढ़िया बढ़िया हमने प्रसाद बनाया है, अन्न चावल दाल सब्जी बढ़िया बढ़िया हमने चकाचक उन्होंने भोग बनाया और महाप्रभु के लिए इंतजार किए। और जब महाप्रभु आए, महाप्रभु के लिए उन्होंने सुंदर पतल में दाल चावल सब्जी रखी, महाप्रभु बोले और एक पतल लगा, क्योंकि दो दिन से भोजन नहीं किया, बोले और एक पतल लगा, बोले प्रभु आप चिंता मत करो, पहले आप ही भोजन करो, आप जो छोड़ दोगे ना पतल में मैं उसका ही खा सकता हूँ। जब बोले
फिर उन्होंने महाप्रभु यही पर आकर के उन्होंने प्रसाद पाए, प्रसाद पाकर पत्तले में उन्होंने प्रसाद कुछ रख दिए। उसके बाद में फिर उन्होंने कहीं पर उन्होंने फिर प्रसाद पाए। तो ये उनका ये भजन कृति है, यहीं पर ये भजन किया करते थे। और यही जगदानंद पंडित हैं जब महाप्रभु इस जगत में आए, जो काम के लिए आए, जब उन्होंने इसीलिए आए जगत में प्रेम भक्ति को प्रचार करने के लिए आए। हाँ, महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं। वो जो प्रेम उन्होंने ब्रह्मा का एक दिन पहले जो ब्रज प्रेम को उन्होंने प्रदान किया था, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के वो दुर्लभ प्रेम को, जो प्रेम को ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जो प्रेम के लिए तरसते हैं, महाप्रभु वो प्रेम का आसन से सबको प्रदान करते हैं। इसलिए वो प्रेम को देने के लिए आए थे। सर्वत्र उन्होंने प्रेम सबको दे दिया। जब दे दिया हाँ, तब उन्होंने अद्वैत आचार्य उन्होंने बुलाया था महाप्रभु जगत में, और जो काम के लिए आए थे वो काम खत्म हो गया। फिर अद्वैत आचार्य ने जब ये जगदानंद पंडित गए थे बंगाल, और बंगाल से ये आ रहे थे पुरी, और पुरी में रहते थे महाप्रभु, तब इनको हाथ में श्री अद्वैत आचार्य ने प्रहलिका लिख करके दी। प्रहलिका मतलब होता है ऊपर में तो एक अर्थ है लेकिन अंदर में और एक अर्थ है। कहते आउल के कहीं अब बाउल हटना बिताए चाउल, मतलब एक पागल दूसरे पागल को बोल रहा है। बोले एक पागल, पागल तो है ही है, बोले कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, कि जितने पागल सब झूठे पागल है, सच्चा पागल कौन है जो पागल है श्री राम के बिहारी। इसलिए सब पागल, अब तो सब पागल ही हो, पागल नहीं हो तो घर वाले सब छोड़ छाड़ कर ढोल रहे हो। इसलिए उन्होंने बोले एक पागल दूसरे पागलों को बोल रहा है। बोले क्या बोल रहे हैं? बोले हाटे ना भी गाय चाउल, आप जो जगत में प्रेम देने के लिए आए थे सबको प्रेम आपने दे दिया है, और ये प्रेम कहीं बीक नहीं रहा है, प्रेम सब जगह बीक गया। इसलिए प्रभु आप आए, जिस काम के लिए बाप खत्म हो गया वो काम अपने कर चुके हैं। आपको हमने बुलाया था, नियम होता है जिसको घर में बुलाओ ना फिर उनको विदाई देना पड़ता है ना, इसलिए हम चाहते हैं प्रभु आप अपना लीला समाप्त करके आप अपना नित्य धाम जा सकते। अब काम खत्म हो गया, महाप्रभु सारे भक्तों को बैठे हुए थे। जब ये हमारे जगदानंद पंडित ने वो पत्र को पढ़ा ना, पढ़ते ही महाप्रभु तो गंभीर हो गए, क्योंकि महाप्रभु का समय हो गया संसार छोड़कर जाने के लिए, अपना काम खत्म हो गया। महाप्रभु गंभीर हो गए, सारे भक्त वहाँ बैठे हुए थे, महाप्रभु को चेहरा देख रहे ना कि पत्र पढ़ते ही उनको दुनिया छोड़ना है, अपना धाम में जाना, एकदम गंभीर हो गए। तो लोगों ने भैया ये पत्र में क्या लिखा हुआ था, महाप्रभु पत्र पढ़ते गंभीर क्यों हो गए, इतने गंभीर क्यों हो गए? फिर महाप्रभु ने हम गंभीरिया में जाएंगे, फिर महाप्रभु जिस काम के लिए आए थे है तो उन्होंने दिन रात उन्होंने राधा रानी जैसे कृष्ण प्रेम में दिन भर उसमें डूबे रहती थी, ऐसे ही राधा के भाग में महाप्रभु संपूर्ण डूब गए। फिर तो दुनिया छोड़ कर महाप्रभु चले गए। इसलिए इनको द्वारा उन्होंने प्रहलिका लेकर भेजा था, और ये इनका भजन कुटी, और यहीं पर श्री स्वर्ग दामोदर में रहते थे। कृष्ण लीला में जो ललिता सखी है, महाप्रभु लीला में ये स्वर्ग दामोदर है, यहाँ पर ये भी उनका भजन कुटी है। उसको पास में हम जाएंगे जहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी यहीं पर रहते थे, एक पास घर में रहते थे, और यहीं पर रहते थे स्वर्ग दामोदर, वहीं पर रहते थे। इसलिए स्वर्ग दामोदर यहाँ से जाते थे और गंभीरा, और महाप्रभु साथ भी रात भर कृष्ण कथा में एकदम डूबे रहते थे। क्या क्या कृष्ण कथा होती थी, आपस में क्या क्या चर्चा होता था, यहाँ पर से रघुनाथ दास गोस्वामी रात में नहीं सोते थे, बैठे रहते थे। आज महाप्रभु क्या क्या कथा बोले, क्या क्या लीला हुई, जब वो आते थे सुनाया करते थे, आज आज महाप्रभु साथ में ऐसे ऐसी कथा हुई, फिर तुमने नोट तो लिखी थे आज क्या क्या लीला हुई, क्या क्या क्या। इसलिए उसी से ही फिर चैतन्य चरितामृत ग्रंथ बना। हाँ, स्वर्ग दामोदर और हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो नोटबुक रखते उसी से ही महाप्रभु क्या क्या लीला नहीं किया सब हुई है। इसलिए जो रोड पर खाता विशेष महत्व है। फिर अभी उस आगे एक मंदिर जिसका नाम राधा श्याम सुंदर है, वहाँ पर ब्रह्मानंद भारती महाप्रभु का और एक भक्त जो संन्यास थे जिन्होंने इसी रोड में बैठ कर भजन किए। इसलिए जो रोड है ना, ये रोड का बहुत महत्व है, और इसका नाम सातासन रोड। सातासन मतलब सत्ययुग में इसी रोड में सात आसन, सात बड़े बड़े
महापुरुष सिद्ध साधु इसी रोड को ऊपर सब लोग को नजर गए हैं, इसलिए रोड की बड़ी महत्व है, इसलिए मेरे जो गुरुदेव ने प्रभुजी को मंदिर बनाया। आगे हम जाएंगे ब्रज जगदानंद पंडित जी, सचिन नंदन गौर।